फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा विद अ ट्विस्ट। तो चलिए फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लेंगे आधा किलो गाजर, साथ ही हम लेंगे 1 लीटर दूध। हमने फुल क्रीम मिल्क लिया है, इससे हलवे का टेस्ट ज्यादा ही अच्छा लगेगा। अब हमने इस दूध को कढ़ाई में ट्रांसफर कर दिया है और गैस ऑन कर दी है। दूध को हमें कढ़ाना है, बस ध्यान रखिएगा कि नीचे ना लगे, तो चलाते रहिए बीच बीच में। तो जब तक दूध हो रहा है, आगे के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। हमने चीनी 200 ग्राम ली है, आप चीनी कम ज्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। इसके अलावा हमने ड्राई फ्रूट्स भी लिए हैं, 4-5 छोटी इलायची, 20-30 बादाम, काजू और किशमिश। तो चलिए अब देख लेते हैं कि हम जो गाजर के हलवे में ट्विस्ट देने वाले हैं, वो इंग्रेडिएंट कौन सा है जिसे डालने के बाद गाजर का हलवा और भी यम्मी लगेगा। जी हाँ, आपको बीट रूट दिख गई होगी और बीट रूट से कलर भी बहुत अच्छा आएगा इस गाजर के हलवे का और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। हमने 250 ग्राम चुकंदर यानी बीट रूट ली है। गाजर को और बीट रूट को हमने ग्रेट कर लिया है। आप नॉर्मल कद्दूकस कर सकती हैं या फिर फूड प्रोसेसर में कर ले तो वो बहुत जल्दी हो जाएगा, इंस्टेंटली आपको आपकी ग्रेटेड गाजर और बीटरूट मिल जाएगी। अब बस इसे हम अपने जो दूध जो हमने उबलने रखा था उस दूध में ऐड कर देंगे। गैस को आपको लो फ्लेम पर ही रखना है। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। देखिए बीटरूट का जो पिंक कलर है कितना प्यारा लग रहा है। अभी इसे हम लो फ्लेम पे और पकते रहने देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे जिससे ये नीचे ना लगे। हम इसमें ऊपर से मावा ऐड नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें दूध को अच्छे से कढ़ा लेना है। इस टेस्टी से हलवे को और भी यम बनाने के लिए हम एक इंग्रेडिएंट आगे ऐड करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। ये कलर देखिए कितना यम लग रहा है, कलर यम लग रहा है, ऐसा होता है क्या? तो देखिए ये पकते पकते अब ऐसा हो गया है। अब हम इसमें इस टाइम पे 200 ग्राम चीनी ऐड करेंगे। चीनी को मिक्स कर लेंगे पूरी तरीके से और चीनी तब तक मेल्ट भी हो जाएगी क्योंकि चीनी पानी छोड़ेगी, तो हमें इस हलवे को अभी थोड़ी देर और पकने देना है। और इसके बाद हम अपनाएंगे अपनी मॉम की ट्रिक जिससे ये कैरेट बीटरूट का जो हलवा है ये और भी टेस्टी हो जाएगा। हमें कमेंट में बताइए हमने क्या ऐड किया है। गेस गेस, हमने इसमें दूध की जो फ्रेश मलाई होती है ना वो ऐड करी है। आधे कप से लेकर 1 कप तक आप दूध की मलाई इसमें ऐड कर सकते हैं। जितना भी रिचनेस आपको ज़्यादा चाहिए आप उसके हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अभी हमें इसको स्लो आंच पे कढ़ते रहने देना है। जैसे जैसे ये कढ़ता जाएगा आप देखेंगे कि इसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा और ये और भी ब्यूटीफुल हो जाएगा और टेस्ट में भी यम हो जाएगा। तो ये तो हमारा गाजर और चुकंदर का हलवा रेडी है, बस अब हम इसे गार्निश करेंगे। ड्राई फ्रूट्स को बारीक बारीक काट लीजिए और जो इलायची है उसे कूट लीजिए और हलवे में ऐड कर दीजिए। अब हमने बीटरूट गाजर का हलवा एक बोल में सर्व कर लिया है। अब इसे हम ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देते हैं। तो कौन कौन हाजिर है इस गाजर बीटरूट के हलवे को टेस्ट करने के लिए, कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी हाजिरी लगवाइए। होप आपने ये वीडियो पूरे अच्छे तरीके से देखा होगा ताकि आपको वो जो ट्रिक्स हैं जो इस हलवे को टेस्टी बनाएंगे वो पता चल गई हो। हमें कमेंट्स में बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन भी दबाइए। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जो आप देख सकते हैं, लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्क्रीन पर आपको हमारे दूसरे वीडियोस के लिंक दिख रहे होंगे, उन्हें चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।